अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहिल और आज आप देख रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 39, जिसका टॉपिक है आईकॉपीफाई फॉर्म। अच्छा, आईकॉपीफाई बेसिकली हमारे पास एक और फॉर्म है जिसके ऊपर हम सिंपल अर्निंग विड्रॉ भी करवा सकते हैं और पाकिस्तान से काम भी कर सकते हैं, और इसके अंदर भी पिछले फॉर्म्स की तरह पेपल में पेमेंट विड्रॉ हो सकती है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आईकॉपीफाई के अंदर जब हम विड्रॉ करवाते हैं तो वो हमसे पेमेंट रिफंड नहीं कर सकते, मतलब कि एक बार आपको पेमेंट रिसीव होगी तो ऐप की ही है वो पेमेंट, ठीक है। इसके अलावा आई कॉपी फाइव 10% जो है वो आपकी पेमेंट भी काटता है एज अ कमीशन के तौर पे, इंक्लूडेड पेपल फीस, मतलब कि अगर आपने $100 कमाए हैं तो वो पेपल की फीस समेत 10% काटेगा। इसका मतलब है कि आपको तकरीबन $89 जो है वो फ्रेंड एंड फैमिली के तौर पे आपको रिसीव हो जाएंगे, जो कि रिफंड नहीं हो सकते हैं। और इसके ऊपर हम साइट भी ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से पेमेंट विड्रॉ करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अच्छा तो आईकॉपीफाई फॉर्म के ऊपर अच्छा सेम कंटेंट है कि साइन अप हम इसके ऊपर सबसे पहले करेंगे एडवर्टाइजर एज अ पब्लिशर। इसके भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि आप सेल करने आए या बाय करने आए हो। इसके अलावा आप पेमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर इसकी एक तो अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो और साथ ही साथ आप अपनी कंपनी इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर भी इसे विड्रॉ करवा सकते हो। अगेन इसमें भी पेपल के थ्रू ही पेमेंट विड्रॉ होती है और इसके अंदर भी हम जो अपना कंपनी पेपल अकाउंट ही लगाएंगे और साथ में अपनी साइट भी कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आईकॉपीफाई का प्लेटफॉर्म है, आईकॉपीफाई.co। साइन अप के ऊपर जाएंगे हम, साइन अप के ऊपर सिंपल हमारे पास क्रिएट एन अकाउंट है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि भाई नाम रहील है और ईमेल के अंदर हम ऐड करेंगे हमारी कंपनी ईमेल और इसको क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। वो कह रहा है यूजर नेम सेलेक्ट करो, तो हम टेक स्टूडेंट गाइड के नाम से ही यूजर नेम ऐड करते हैं और पासवर्ड हम कुछ भी इसमें ऐड कर रहे हैं और पासवर्ड हम इसमें भी कुछ भी ऐड कर रहे हैं और इसको क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म का मदद जो है वो प्लेटफॉर्म बन गया है और ये पब्लिशर्स हैं अगर आपने साइट से निकालनी हो, ठीक है। तो साइट्स का तो मसला ही नहीं है कि आप जितनी मर्जी जो साइट्स हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ऑल माई प्रोजेक्ट्स की, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, लिंक इंसर्शन किए हैं, कुछ भी और किया है तो ऑल माई प्रोजेक्ट में जाके सबसे पहले हम क्रिएट अ प्रोजेक्ट, नाम हम इसका रख लेते हैं लाइफ मोन्यूमेंट्स और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं क्रिएट अ प्रोजेक्ट और नाम और क्रिएट। अच्छा, ये बेसिकली हम प्रोजेक्ट में एज अ बाहर जा रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम रख के उसके अंदर हम ये ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्विच टू पब्लिशर, स्विच टू एफिलिएट, ठीक है। एफिलिएट को हम ऑफ कर, एफिलिएट वाली साइड पे आ गए हैं और इसी तरीके से हम स्विच टू पार्ट पे भी चले जाएंगे। और यहाँ से स्विच टू पब्लिशर, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास पोर्टल है जिसके ऊपर जाके हम साइट से ऐड करेंगे, ठीक है। ओपन ऑफर्स कोई भी नहीं है क्योंकि हमने कोई साइट ही नहीं ऐड की। गेस्ट पोस्टिंग पास हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए थे और अगर हम डैशबोर्ड में जाते हैं तो इस टाइम कोई टास्क हमारे पास अवेलेबल नहीं है। माई प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, अपनी साइट ऐड करेंगे। अच्छा, ये मैंने कुछ इसकी रिक्वायरमेंट बताई है कि भाई 500 पर मंथ ज़रूरी है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि सारे प्लेटफॉर्म पर ही ये चीज़ें हैं और उसका DA और DR दोनों 20 से अबव होना चाहिए एंड सो ऑन। एग्री एंड कंटिन्यू एंड अगेन हम अगर इसके अंदर
आर्ट वाइज को ऐड करना चाहें, ठीक है, तो बिफोर एडिंग योर वेबसाइट मेक श्योर यू हैव एडेड अ वैलिड पेपल ईमेल आईडी एड्रेस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमें साइट ऐड करने से पहले अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। तो हम बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे चले गए हैं और बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर अपडेट प्रोफाइल है, एड अ पेपल आईडी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारी पेपल आईडी है ठीक है, हमने अपनी पेपल आईडी ऐड कर दी है और आई कॉपी फाइल का पासवर्ड वो हम यहाँ पे ऐड करके कंफर्म ईमेल एड्रेस करके सेव चेंजेस। लेकिन इसमें एक मसला आएगा, जैसे हम करेंगे तो वो कहेगा सॉरी वी ओनली एक्सेप्ट यूनिक पेपल ईमेल आईडी, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट बात है जो हमारे पास दूसरे अकाउंट है उनके अंदर हमने यही वाली पेपल आईडी ऐड की है। इसके दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन तो ये है कि आप अपने पेपल के अंदर मैक्सिमम 7 ईमेल आईडीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 ईमेल आईडी से ये होगा कि आप एक पेपल के अंदर 7 लोग पेमेंट मंगवा सकते हैं, 7 ईमेल ऐड करें और वो ईमेल यहाँ पे दे दें, तो कोई भी पर्सन उस ईमेल के ऊपर पेमेंट करेगा तो अल्टीमेटली आपके अकाउंट में आ जाएगी एक चीज। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये होता है कि जब हम ईमेल आईडी ऐड करते हैं तो हम उस ईमेल आईडी से अपने पेपल अकाउंट के अंदर लॉगिन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेपल अकाउंट है, मैंने अपने स्टूडेंट्स की 4-5 की ईमेल आईडी ऐड की है, तो वो उस ईमेल आईडी अगर उनके पास मेरे पेपल का लॉगिन पासवर्ड हो तो वो ईमेल और वो पासवर्ड ऐड करके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर वो पेपल में जाके रीसेट पासवर्ड को क्लिक करेंगे और उनकी ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा और वो पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न होता है, ठीक है। तो इसका मिसमैचिंग ये निकाला कि जो मेरी पर्सनल ईमेल है, असल में वेबसाइट की ईमेल है, उस वेबसाइट की ईमेल को मैंने सब ईमेल्स बनाई हैं, जिस तरह रखील एट दी रेट आर ए डेवलपर डॉट नेट या रखील एट दी रेट स्टूडेंट गाइड के ऊपर हम एक ईमेल बनाएं और उसको ऐड कर दें, फिर उसकी एक्सेस हमारे पास रहेगी एक चीज। दूसरी चीज हमारे पास जो मेन है वो ये है कि आप यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अपनी सिंपल ईमेल आईडी रखील शाहद वाली, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर कि ये तो इस पर तो पेपर बना नहीं है, एग्जैक्टली इसके ऊपर पेपर नहीं बना, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि जब हमारा पेपर किसी भी ईमेल पे ना बना हो और जब हम कभी ऑर्डर इसके ऊपर आएगा, फिर हम उसको फुलफिल करेंगे, फिर हमारी पेमेंट की बारी आएगी और वो इस ईमेल के ऊपर पेमेंट भेज देंगे आई कॉपीफाई वाले, तो इस ईमेल के ऊपर एक आपको सॉरी इस मेल के ऊपर आपको एक ईमेल आएगी कि आपको आई कॉपी फाई ने $15, $50 जितने भी डॉलर आपने अर्न किए हैं वो सेंड किए हैं, आप इसके ऊपर पेपल का साइन अप करने और आपको पेमेंट मिल जाएगी, एक ऑप्शन ये है। तो सर हम पेपल के ऊपर साइन अप कैसे करेंगे, तो इसका सलूशन ये होता है कि आपने वो वाली ईमेल एड्रेस जो ईमेल का लिंक आया है उसके अंदर से वो सिंपल जो लिंक है उसको कॉपी करके उस पर्सन को दे देना है जिसके पास पेपल है, उसको क्लिक करेगा और जैसे वो क्लिक करेगा और वो अपना पेपल का ईमेल आईडी से लॉगिन करेगा तो वो सारी की सारी पेमेंट उसमें ऐड हो जाएगी और वो ईमेल आईडी भी उसी टाइम के लिए उसके पेपल में ऐड हो जाएगी। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास एक हमारी सिंपल पेपल के ऊपर कोई मतलब सिंपल इसके अंदर आप ये समझ लें कि हमारी पेपल के अंदर कोई ईमेल ऐड नहीं है, तो जब कोई भी पर्सन आपको पेमेंट भेजेगा तो उसका एक लिंक आएगा, अगर आप वो लिंक क्लिक करेंगे और वहां पे साइन अप का ऑप्शन है उसकी बजाय लॉगिन के ऑप्शन पे जाके आप लॉगिन कर लेंगे तो वो सारी की सारी पेमेंट हमारे पास उसके उस पेपाल में चली जाएगी जिस पेपाल से आपने उसको लॉगिन किया है। तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा तरीका होता है कि हम कहते हैं बेटा अपना ही पेपाल अपनी ही ईमेल जो है उसके ऊपर लगा लो, जब भी कभी पेमेंट आएगी तो आपने एक ईमेल आई होगी, आपने वो सिर्फ मुझे फॉरवर्ड करनी है और मैं उसको पेमेंट को विड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। तो हम सिंपल यही वाली ईमेल लेने देंगे और इसको सेव चेंजेस के अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या होगा कि हमने पेपल की ईमेल भी ऐड कर ली है, जब कभी हमारी पेमेंट आएगी तो एक लिंक आएगा उसको क्लिक करेंगे तो वो
पेमेंट हम किसी भी पेपल में विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ माई प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लेटफॉर्म में जाके हम अगेन ऐड करते हैं एग्री, और यहाँ पे जाके हम करेंगे artwise.com को ऐड। और क्योंकि हो सकता है इसके अंदर भी ये वाली https साइट पहले से मौजूद हो तो शायद ये ऐड ना हो। ठीक है, अच्छा लिमिट टाइप किया गूगल है, कितने मैक्सिमम अलाउ है, एक है, और कितने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए, तकरीबन 750 या 700 कर लेते हैं। और कंटेंट प्लेसमेंट प्राइस कितनी है, हम कहते हैं $100 है या फॉर एग्जांपल $120। ठीक है, और कंटेंट क्रिएशन प्लेसमेंट प्राइस, अच्छा अब ये है कि सिर्फ प्लेसमेंट कंटेंट प्लेसमेंट प्राइस 130, और हम अगर आर्टिकल भी लिखवा के इसके ऊपर करना है तो इतनी प्राइस। डिलीवरी टाइम क्या है, 5 दिन है। और गेस्ट पोस्टिंग की एग्जांपल अगर कोई है तो हमने उसको ये दे दी है, और गेस्ट पोस्टिंग एग्जांपल 2 और 3, और आप चाहें तो ना भी दें। ठीक है, स्पेशल रिक्वायरमेंट गन्स आर्टिकल्स नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, सबमिट वेबसाइट, और ये हमने ऐड कर दिया वेबसाइट स्टेटस अप्रूव अप्रूव अप्रूव। तो हम सडन से हमारे पास ये साइट ऐड होगी और उसका स्टेटस भी अप्रूव है। अच्छा, ये आमतौर पर इस वजह से होता है कि मैंने जैसे बताया कि कुछ प्लेटफॉर्म में पहले एग्जैक्टली ऐसे होता था कि फोरन से अप्रूव हो जाती थी, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म में ऐसे होता है कि उसको पहले पेंडिंग में डालते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म में होता है कि वो कहते हैं जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे तब तक ये चीज़ अंदर ऐड नहीं होगी। इस प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा ये बेनिफिट है कि आप इजिली जो है वो कोई भी साइट ऐड करते हो और वो फोरन से अप्रूव स्टेटस के अंदर आ जाते हैं। अब इसी तरीके से यू कैन ऐड अप टू 500 वेबसाइट, एक अकाउंट के अंदर 500 तक कर सकते हो, और आप मल्टीपल अकाउंट्स भी बना सकते हो, और आप इसी तरीके से आइकोपीफाई के अंदर और 500 साइट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने एक पोर्टल भी ऐड कर लिया, वेबसाइट जो कि अप्रूव्ड है, और हमने प्रॉपर तरीके से विड्रॉ भी देख लिया कि हमारा विड्रॉ कैसे होगा, उसके अंदर एक ट्रिक भी देख ली कि हम किस तरीके से पेमेंट जो है वो अपनी ही ईमेल ऐड करके पेपल से विड्रॉ कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.